वेलकम बैक टू माई चैनल साक्षी धनजल एंड हैप्पी शिवरात्रि बिकॉज इट्स शिवरात्रि. आई नो आप लोग कल देख रहे होगे मैं आज विश कर रही हूँ बिकॉज मंदिर तो मैं आज ही आई हूँ और मैं हूँ नर्मदा महादेव के पास एंड इट्स इन एक्चुअली मैं खड़ी हूँ नर्मदा में और भीड़ भी बहुत है. लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग फॉर टुडे. सो गाइस दिस इज नर्मदा रिवर बेसिकली एंड मतलब पीछे डैम था बहुत बड़ा एंड मैं जा रही हूँ टेंट टू की तरफ. इट्स गोना टेक अराउंड 5 मिनट्स टू रीच एंड आई एम गोना शो यू. आई होप यू पीपल विल बी एक्साइटेड बिकॉज मैंने आज का व्लॉग वैसे स्टार्ट तो मंदिर से करा है बट होप यू रिमेम्बर कि आज मैं जा रही हूँ टेंट नर्मदा टू में एंड आई एम गोना टेल यू द लोकेशन एंड द स्टे एंड द प्लेस एंड व्हाट कैन वी डू व्हाट एक्टिविटीज आर यू कैन डू. मेरी एक एक्टिविटी वेस्ट मिस हो गई क्योंकि वो सारे करती हूँ नर्मदा टेंट टू में और यहाँ मेरी टिकट्स की चेकिंग होगी और मेरी गाड़ी की वो डलेगी. घूमने के कार्ड्स ये हैं सारे के सारे. मैं चेकिंग करवा लूँ बुकिंग की एंड मैं टेंट सिटी टू में हूँ. स्वागत के लिए लोग भी खड़े हो चुके हैं एंड तो हम लोग जा रहे हैं कार्ट में और हम जा रहे हैं टेंट की तरफ. पार्किंग कुछ ही खड़ी हो गई एंड टेंट कुछ इस टाइप के हैं सामने जैसे. एंड मेरा टेंट नंबर है 213. आई गेस ये 3 का स्लॉट है तो 2 इसके आगे होगा. आई विल शो यू माय टेंट गाइस नाउ. दिस इज द प्लेस वेयर आई एम गोना स्टे. यहाँ पे अराउंड कितने कॉटेज हैं यहाँ पे इस एरिया में? इस एरिया में हाँ इस एरिया में 33 टोटल. अच्छा इस वाले में 33 है मतलब प्रीमियम. ओके ओके सो आई एम गोना स्टे विद प्रीमियम प्रॉपर्टी तो इट मींस अ लग्जरियस प्रॉपर्टी. 201 है. इतने लोग आते हैं? हाँ भरा रहता है. भरा रहता है मंडे संडे संडे थोड़ा सा कम हो जाता है. ओके दिस इज द कॉटेज दिस इज द मिरर एंड दिस इज द हैंगर्स. वाओ इट्स नाइस. आपके पास आयरन भी है? आयरन फैसिलिटीज प्रेस की नहीं? प्रेस फैसिलिटीज नहीं है. ओके सो गाइस मैं आई हूँ डाइनिंग हॉल एंड दिस इज ऑल द डाइनिंग हॉल्स. यहाँ पे इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो सारे यहाँ पे घूमने आए हैं एंड इस प्लेस को डिस्कवर करने आए हैं. एंड यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज होती है आई शेयर यू लिस्ट बाई लिस्ट. पहले मैं खा लेती हूँ खाना बिकॉज आई एम बीन स्टार्विंग फ्रॉम बहुत देर से. अभी मुझे चम्मच नहीं मिला मुझे यही मिला. हम रुके हैं टेंट सिटी नर्मदा में. यहाँ पे राफ्टिंग होती है. हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन का न्यूट्रिशन पार्क है जो मैं मिस कर चुकी हूँ. एकता मॉल है मैं देखूँगी क्योंकि एकता मॉल के पास से ही आप निकलते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए. मैं एग्जैक्टली रुकी हूँ टेंट की साइड में एंड मेरे जो है वो लास्ट वाले यू शेप टेंट है मतलब सर्कल वाली जगह टेंट है. और रुक गया वैन कल रिवर राफ्टिंग कल बोटिंग पता नहीं सर. तो ये सारे एक्टिविटीज़ हैं सरदार सरोवर डैम डैम व्यू पॉइंट दिनो ट्रेल वैली ऑफ फ्लावर जंगल सफारी टेंट सिटी नर्मदा विश्वा वैन सिटी आई मीन फूड कोर्ट कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन. सो हम ये सब घूमने वाले हैं आई मीन मैं आप सबको ये घुमाने वाली हूँ. तो चिल्ड्रंस का जो न्यूट्रिशन पार्क रहा है मैं उसका देखती हूँ. मेरे पास टिकट्स पड़ी हुई हैं सो आई एम गोना गो ताकि मुझे टाइम फ्री मिलता है क्योंकि मुझे स्टैचू के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा. इसमें स्टैचू इन्वॉल्व नहीं है बट स्टैचू के लिए बीच में टाइम निकालना पड़ता है. तो मेरा जो 3 दिन का प्लानर है वो सेट है ऑलरेडी. सो गाइस मैं जा रही हूँ यूनिटी टावर की तरफ एंड पता है अपनी गाड़ी तो जाएगी नहीं सो आपको यहाँ से टैक्सी लेनी पड़ेगी. अपनी गाड़ी थोड़ा सा आगे 9 किलोमीटर तक जा सकती है बट मैंने अपनी गाड़ी छोड़ दी है.
पीछे ही, एंड फाइनली टाइम आ गया जो 7 दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मैं आपको यूनिटी टावर दिखाऊंगी, आई मीन यूनिटी स्टैचू दिखाऊंगी, देन आई एम गोइंग टू स्टैचू ऑफ द यूनिटी। सो गाइस ये पूरा केवाड़िया है, और केवाड़िया में फॉरेस्ट है, और जो मैंने आप लोगों को मैप दिखाया पूरा केवाड़िया का था, और ये नर्मदा रिवर है यार। ये कितनी सही जगह है। तो गाइस ये यहाँ का डैम है, पता है यहाँ पर इस डैम की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, एंड इसी मतलब ये पूरा व्यू के साथ छुप गया है डैम इसके पीछे। आई शो यू द डैम, तो ऑब्वियसली आगे व्यू आएगा ही आएगा, देन वी गॉट द व्यू। सो इससे पूरा पावर सप्लाई होता है यहाँ पे। सो मैं एक मिड पॉइंट पर आई हूँ, ठीक है। अभी तो मैंने गाड़ी से, एक गुजरात की गाड़ी यहाँ पर आ रही थी तो उनके साथ आई हूँ। अब मेरा जो सेकेंड पॉइंट है यहाँ से, मतलब मैं अपनी गाड़ी नीचे छोड़ आई थी इस टाइम, ऐसा नहीं पेट्रोल नहीं था बट हाँ छोड़ आई थी। सो यहाँ पे पॉइंट से आपको टैक्सी मिलती है, एंड टैक्सी के लिए आपको वेट करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब ये वाली गाड़ियाँ भी चलती है छोटी सी, यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और वो ही लेके जाएगी आपको गलेरिया, मीन्स यू नो इन शॉर्ट वर्ड स्टैचू ऑफ यूनिटी। और मेरे पास एक्सप्रेस टिकट है, एक्सप्रेस टिकट आती है 1000 की, 300-350 की नॉर्मल टिकट है। आप इसको जाके यूनिटी टावर के पेज पे देख सकते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पेज पे देर आर टिकट। और फिर आपकी जो टिकट्स आती है हेलीकॉप्टर की वो अलग है, जो कि अभी चल नहीं रहा कोविड सीजन की वजह से। फिलहाल मैं इस महीने में हूँ, लाइक ये चल रहा है मार्च, आज मार्च 1st है, कल ये ब्लॉग रिलीज होगा 2nd मार्च को। सो अभी क्या है कि अभी हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा। ये मेरा सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप है अभी तक का, किसी और कंट्री के अलावा ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रिप। आप लेके जाओगे? कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? 3 महीना। 3 महीना हो गया, क्या बात है यार, नाइस टू मीट यू। फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी, द हाईएस्ट स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड। किसको बनाया इसने, मतलब आई मीन किन्होंने, किसने बनाया है गाइस? ये गलत बात है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। फाइनली दिस इज द स्टैचू, और जाने का यहाँ से है तो भी स्टैचू फिर छुप जाएगा, जाने का रास्ता कुछ ही है, इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा और आप आराम से फिर से चल सकते हो। कॉपीराइट। अगर आपको पता है किसकी स्टैचू है तो मुझे कमेंट करिए, तो किसका स्टैचू है फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ये किसका स्टैचू है इतना बड़ा, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट स्टैचू क्यों है, कुछ आइडिया है? नहीं कमेंट करके बताओ। है तो जब आप टावर के नीचे खड़े हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, टावर कुछ ऐसा ना, तो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखा दिखेगा आपके सामने, एग्जैक्टली सामने। अभी मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरी एक्सप्रेस टिकट है, इन्होंने मुझे घुमा दिया ऊपर नीचे ऊपर। ये जगह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये मिस्टर राम, मतलब मैं उनका नाम तो मैं एकदम से मिस कर रही हूँ जिसने बनवाया है ये, क्योंकि उनको पीछे ना वो भी मिला अवार्ड भी बनवाने के पीछे। सो ये सबसे हाईएस्ट टॉयलेट स्टैचू, आई मीन स्टैचू कहलाता है, एंड यू कैन सी दैट इसका मतलब, अगर आप इनका इतिहास कभी भी देखोगे, आई मीन इसके बारे में कभी, नॉट इतिहास, इट्स न्यू ऑब्वियसली, इसके बारे में कभी भी देखोगे तो यू विल रिकॉग्नाइज की सबसे हाई मतलब टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का। आई मीन क्या कितना कुछ है यार, शूट्स किया है। आई मीन मतलब इसके अंदर हूँ, स्टैचू के अंदर हूँ मैं, बिल्कुल हाईएस्ट हूँ, मतलब इनके फेस के अंदर हूँ आई गेस। तो और मतलब यहाँ पे से एंट्री, आपको यहाँ से व्यू नीचे दिख सकता है,
और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी इसके बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये स्टैचू है, और इसके अलावा इनको जो बनवाया है उन्होंने राम में, नाम मिस कर रही हूँ अभी भी, आपको मैं जरूर नाम बताऊँगी अगर आपको राम क्या याद आता है, नहीं तो आपको इंटरनेट से देख सकते हो या भी कमेंट कर सकते हो, ज़रूर कमेंट करो, मैं उनका नाम भूल रही हूँ। आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम हेयर टूवर्ड्स हेयर। सो गाइस ये आर्किटेक्चर जो है ना वो रामवीर सूत्र है, एंड यू नो मैं 130 कितनी हाइट पे खड़े हैं हम लोग, 135 फीट की हाइट पे हम लोग खड़े हैं। सही है ना, ये सामने डैम का व्यू देख लो और यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, नीचे नर्मदा का व्यू देख लो। मैं इनके फेस के स्ट्रक्चर पे खड़ी हुई इस वक्त। ये कूल, लुक एट दिस भीड़, कितने लोग आते हैं इसको देखने, आज के दिन भी, आज शिवरात्रि ट्यूसडे का दिन है फिर भी कितने लोग आते हैं इनको देखने, और कहाँ कहाँ से आते हैं। आप कहाँ से हो? बॉम्बे से। हाँ, बॉम्बे से देखने आए, तो इतनी दूर दूर से गाइस लोग आते हैं देखने। You are nicely recording. Yeah, thank you so much. From the beginning of the show. So, guys, this is a pair. पता नहीं स्टैचू कितना ही ऊपर जा रहा है। Obviously, आपको व्यू तो मिल ही चुका है इसका, and hopefully आपको पता भी चल चुका है कितने फीट का, अगर नहीं पता चला। अच्छा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ गाइस, आज के दिन यार 5000 सब्सक्राइबर्स पे मैं गिव अवे निकालूंगी, काफ़ी बड़ा, एंड इट्स गोना बी अ वेरी ह्यूज गिव अवे, इट्स नॉट अ स्मॉल गिव अवे, सो इट्स गोना बी अ ह्यूज गिव अवे, एंड इट्स अबाउट यू नो ट्रैवल गिव अवे, सो भूलना मत चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इट्स अ लेजर शो, अगर आप एक्सप्रेस टिकट ले रहे हो एंट्री की तो आप ये लेजर शो बहुत आराम से देख सकते हो, अदरवाइज 1030 रुपीज़ की टिकट है, और ना जो छोटी वाली टिकट है आपकी 380 की, वो उसमें नहीं लिखेगा आपको ये। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार, गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर। गाइस जो ये बिल्डिंग बनी है ना, इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कंक्रीट है अंदर, और ये बिल्डिंग कैसे बनी, इसमें स्टील कैसे लगा, एंड अंदर पूरी लिफ्ट जाती है, इसमें आप ऊपर तक जाते हो जहाँ पे मैं गई थी उसे टच करने के लिए। इज़न दैट ऑसम, आई मीन इज़न दैट ऑसम। आई होप वन डे यू विल विजिट दिस प्लेस एंड यू विल गेट टू नो अबाउट दिस प्लेस मोर देन। सो अब हम जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ नेक्स्ट शो के लिए, मेरा शो हो चुका है स्टैचू का, अब मेरा डैम का शो है, एंड यहाँ से गाड़ियाँ सारी जा चुकी हैं, सारे रिक्शा जा चुके हैं, एंड अभी पता नहीं कि वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ऑलरेडी पहले हम गलती से 1 किलोमीटर पीछे चले गए थे शो के लिए, अब फिर से 1 किलोमीटर आगे पैदल चल के आए। अब गाइस मेरे सामने चल रहा है लेजर शो, और मैं जा रही हूँ ग्लो गार्डन, लेजर शो मेरा टुमारो है, तो आज मैं ग्लो गार्डन जा रही हूँ, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग, इट्स सेक्सी गाइस, दिस इज द एंट्री ऑफ द ग्लो गार्डन, एंड आई नो इट्स गोना बी अमेजिंग। Hello.
गाइस सो आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, इट्स फॉर किड्स, इट्स फॉर नॉट फॉर अस। और कल मैं आपको वही लेजर शो दिखाने वाली हूँ जो आपको सामने एग्जैक्टली इतना सही लेजर शो दिख रहा है। तो सो बी एक्साइटेड फॉर टुमारो व्लॉग। ऑब्वियसली अभी भी मैं आपको अभी लास्ट रहता है, नॉट नॉट लीस्ट व्लॉग अभी बाकी है। एंड आई होप यू लाइक द प्लेस। कैसा लगा आपको ये जगह? अच्छी लगी आपको? पटेल जी का स्टैचू अच्छा लगा या फिर आपको व्लॉग मैच क्या अच्छा लगा? मेरा रूम अच्छा लगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ अभी के अभी। एंड पटेल जी का स्टैचू वो रहा मेरे सामने, एग्जैक्टली ये रहा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। बाय बाय सुंदर पार्क, सी यू नेक्स्ट टाइम, पता नहीं कब। सो गाइस क्या कहते हैं, मैं डिनर यहीं ख़त्म करती हूँ एंड आई मीन व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। एंड यू नो दिस इज़ द व्यू, सामने मेरे सिंगर बैठी हुई है बिल्कुल उस जगह पर। एंड इट वॉज लवली यार, एवरीथिंग वॉज ग्रेट। सो की प्राइजेस मैं कल शेयर करूँगी पूरे पैकेज के, ऑब्वियसली मैंने आपको कुछ नहीं बताया अभी। See you tomorrow with the new vlog and I'm going to include everything tomorrow. Slowly and slowly you have to watch everything. अगर आपको ये तीन vlog में समझ आए कि यहाँ पे क्या क्या है। Bye bye.